जो मन वचन और कर्म से पूरा अमृत से भरे हैं। हाँ, जो ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुष जो मन वचन और कर्म में एकनिष्ठ हैं, वो सत्य में प्रतिष्ठित हैं, अमृत से लबालब भरे हैं, वो बाहर और भीतर एक हैं, मन वचन और कर्म उनका एक है, एक समान रहते हैं, वो सत्य के साथ जीते हैं, वो न्याय के साथ जीते हैं, वो ज्ञान के साथ जीते हैं। नीति में निपुण लोग उनकी आलोचना करें और नीति में निपुण लोग उनकी प्रशंसा करें, वो परवाह नहीं करते, वे अपना रास्ता नहीं बदलते, श्रेष्ठ मार्गों के पथ का कभी त्याग नहीं करते। नीति में निपुण उनकी आलोचना करें, प्रशंसा करें, उसकी परवाह नहीं करते। मन वचन और कर्म से जो सत्य में प्रतिष्ठित हैं, जो मन वचन और कर्म से जो अमृत में प्रतिष्ठित हैं, जो अमृत से भरे हैं लबालब बाहर और भीतर, केवल वाणी ही नहीं, मन भी, हृदय भी, कर्म भी, जो सबका उपकार करना चाहते हैं, जो सबका कल्याण चाहते हैं, जो सबका भला चाहते हैं, सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, जो आत्मा हमारे अंदर है, वही आत्मा अन्यों के शरीर और जीवन को संचालित किए हुए है, जिनके अंदर ये सहज भाव है, तो हमारी संस्कृति सबके लिए जीना सिखाती है। और जो सबके हित के लिए कार्य करता है वही श्रेष्ठ होता है। परगुण परमाणुन पर्वति कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। जो सबका उपकार करना चाहते हैं, जो सबका भला चाहते हैं, जो सबका कल्याण चाहते हैं, जो छोटे से गुण को दूसरे का, दूसरे व्यक्ति का छोटा सा गुण है, उसके छोटे से गुण को पर्वत के समान बड़ा मानते हैं, उसकी आलोचना नहीं करते, उसको हतोत्साहित नहीं करते, उसको अपमानित नहीं करते, उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाते, उसके छोटे से गुण को बड़ा मानते हैं। पर गुण परमाणुन पर्वति कृत्य नित्यम, दूसरे के छोटे से गुण को जो पर्वत के समान बड़ा मानते हैं, शास्त्रज्ञ पूछते हैं निज हृदय विकसंतः, निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। ऐसे महापुरुष कितने हैं इस संसार में, ऐसे महापुरुष कितने हैं इस संसार में। अंधेरा बहुत है, जो आपकी प्रतिभा को निखार दे, जो मन वचन और कर्म से, जो मन वचन और कर्म से भरा है, अमृत से लबालब भरा है, वो तो शांत है। ऐसा योगी जो समुद्र की भांति गंभीर है और जिसके आत्मिक शक्ति का विकास है,
वो तो सहजता में जीता है, वो तो स्वाभाविकता में जीता है। तो जितना आत्मा की शक्तियों का विकास होगा, आनंद उतना हमारे नजदीक होगा, अमृत का प्याला हमारे उतना ही नजदीक होगा जितना हम आत्मा की शक्तियों का विकास करें।